ओम तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ये भुरिदा जनाः। भक्तगणों के भीतर जो श्रेष्ठ भक्त है, ज्ञानी भक्त है, उसके बारे में कहा जाता है। हम लोग देखे हैं एक रविंद्र संगीत उद्धृत करते हुए विस्तार किया है। श्रेष्ठ भक्त है वो प्रेमी के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। त्याग में ही उनका आनंद है। अगर वो प्रेमी उनको छोड़ के चले भी जाए तब भी उनसे कोई असुविधा नहीं है। साधारणतया क्या होता है, अगर प्रेमी उसको छोड़ के चले जाए तो दूसरा किसी को ग्रहण कर लिया, ये इनका नहीं है। एक निष्ठा है, प्रेमी चले भी जाए तब उनको विरह में वो विलीन रहेंगे और किसी से मिलित नहीं होंगे, जो कि साधारणतः देखा जाता है। ये साधारणतः होता है, जिसके साथ संपर्क रहा वो चले गए तो दूसरा किसी के साथ रिश्ता बना लिया, ये इनका नहीं है। एक निष्ठा होना चाहिए। जब प्रेमी के साथ रिश्ता बनाया बस एक रहेगा, उनके छोड़ के और किसी के पास नहीं जाएंगे। हमें तुम्हारी विरह रोहिब विलीनो करीब तुमाते वास दीर्घ दिवसो दीर्घ रोजनी दीर्घ वर्ष मास। मैं तुमसे ही विलीन रहेंगे, तुम्हारा चिंतन में ही विलीन रहेंगे, हमारा दूसरा किसी को जरूरत नहीं है। तो भगवान तो छोड़ के चले गए और कोई प्रेमी छोड़ के चले गए नहीं है, तो उनको क्या मिला क्या। तुम्हारे पीछे हृदय माझारे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमको हृदय मंदिर में बैठा लिया परमानेंट, और क्या प्राप्ति चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रेम रहने से प्रेमी मजबूर होकर उनके पास आते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि गोपीगण जितने प्रेम दिया वो अखंड जीवन पाने पर भी उसको मैं चुका नहीं सकूंगा। तो ये इसका जो दृष्टांत कहा गया है ब्रजगोपिका नाम, ब्रजगोपिका जो दृष्टांत है वो है श्रेष्ठ दृष्टांत ज्ञानी भक्त का। कहा जाता है कि जो गोपीगण थे वो महा महा ऋषि थे, वो भगवान को प्रेम के माध्यम से आस्वादन करने के लिए वृंदावन में गोपी के रूप में आविर्भूत हुए थे। ये तो संभव नहीं है, ये अद्भुत चरित्र है। तो भगवान को प्रेम आस्वादन करने के लिए उनको आविर्भाव हुआ था। तो यथार्थ तो ज्ञानी थी। ज्ञान क्या है कि भगवान के सिवा और कुछ नहीं है। तो ये जो इनका जो समन्वय हम देख रहे हैं कि जो ज्ञान युग में हम देखे हैं कि जो प्रयास है ना अहम ना अहम, मैं नहीं हूँ, विचार करते हैं मैं शरीर नहीं हूँ मन नहीं हूँ, लेकिन इस कलियुग में मैं शरीर नहीं हूँ बोलने पर भी उसको जीवन में अपनाना संभव नहीं है। ठाकुर कहते हैं कि वो जो पीपल का जो पेड़ होता है अश्वत्थ गाछ, जो जितने काटने पर भी उसका जड़ से उखाड़ना संभव नहीं है। अर्थात देह बोध जो उसको अतिक्रम करना संभव नहीं होता है। कलि में अनगत प्राण है, उतना सहन शक्ति नहीं है,
ठाकुर ने इसलिए ये उपाय बताया, जब अहम जाने वाला ही नहीं है, जितना भी काटो जाने वाला नहीं है, तब ठाकुर ने क्या कहा, थक्षल दासम यह, मैं उनके भक्त हूँ, मैं उनके दास हूँ, मैं उनके सेवक हूँ, मैं उनके प्रेमिक हूँ। ऐसी करने से जो अहम तो नहीं जाएगा लेकिन तो हम आ जाएगा, ना हम ना हम, तू हूँ तू हूँ। जब भगवान के भगवत चिंतन में हम तल्लीन हो जाएंगे तब अहम विसर्जन हो जाएगा, अहम छोड़ने से नहीं जाएगा, लेकिन जब भगवत चिंतन करेंगे तब अहम उसमें से तल्लीन हो जाएगा। इसीलिए कहा नहम नहम तू हूँ तू हूँ। तो भगवत चिंतन करते हैं, अहम चिंतन नहीं करते हैं, अहम अपने आप मिट जाता है। ये विश्लेषण ज्ञान और भक्ति का समन्वय, वही चाहा लेकिन अपने को हटा के भगवान को बैठे दिया। वो कहते सोहम, ये कहते दासोहम, सोहम नहीं गया दास अहम। तो भगवान को जो अहंकार है वो पहले बैठा दिया, तो हमारे अहंकार उसमें विलीन हो गए। ये कौशल, तो ये जो प्योर भक्ति है, निष्काम भक्ति जिसके बारे में कहा गया है, वो नारद उल्लिखित भक्ति का ही परिचय। ये भक्ति का विश्लेषण करते हुए नारद जी ने बताया, ये भक्ति का दो पहलू होता है, टू डायमेंशंस, जो कि नारद भक्ति सूत्र में लिखा हुआ है, सूत्र नंबर 19। नारदस्तु तदर्पित अखिल आचरयता तद विस्मरणे परम व्याकुलता इति। नारद ने बताया कि ये जो भक्ति है इसका दो आयाम होता है, टू डायमेंशंस। अखिल आचरता तदर्पित, अर्थात भगवान में समर्पित, जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ भगवान में समर्पित है। इसे समर्पण का बाद, शरणागति के बाद आर्त जिज्ञासु अर्थात में रहा, हमने सब चर्चा किया है कि जो प्रपद्य के बात करा, नमाम दृष्टि न मुड़ा प्रपद्यंते नराधमा, जो भगवान में समर्पित होता है वही विशेष भक्त है, जो समर्पण नहीं करते हैं अब भक्त नहीं है। तो शरणागति के बाद हम लोग चर्चा किया था, तो उसको आरती के लिए, उनके प्राप्ति के लिए भगवान में समर्पित होता है, लेकिन ये व्यक्ति क्या कह रहे हैं, ज्ञानी सब कुछ भगवान में अर्पण कर दिया, तद अर्पित अखिल आचर है। तो उसके जो आचरण, जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ भगवान में ही समर्पित है। एवं और दूसरा व्यक्ति है, दूसरा चीज है, तद विस्मरण परम व्याकुलता, अभी कभी भगवान को नहीं भूलते हैं, जो कुछ करते हैं भगवान में समर्पण करने के लिए ही किया जाता है, मानसिकता है नथिंग फॉर मी ऑल फॉर दाओ। एवं निरंतर भगवान को स्मरण मनन, भगवान को विस्मरण होने से ये अखिल आचरतया तदर्पित नहीं होगा, मदर्पित हो जाएगा। तो हमारे जो अहंग भाव है उसको निरसन करने के लिए निरंतर भगवान को शरण मनन करना चाहिए। मन में नाम लो, हाथ में काम लो, निरंतर अगर भगवान को स्मरण मनन करे, एवं अगर कोई भी एक मुहूर्त में चूक हो जाए तब उसके लिए परम व्याकुल हो जाएंगे, अरे एक मुहूर्त चूक हो गया,
तो भगवान को छोड़ के एक मुहूर्त भी नहीं रहने चाहते हैं और जो कुछ करने चाहते हैं सब भगवान में समर्पण करते हैं, तो तब आनंद में भरपूर रहता है। देखिए यहाँ पर जो भगवान को सान्निध्य लाभ नहीं हो रहा है, ये भक्त का जो विशेषता है, जो हमारा जीवन का लक्ष्य ईश्वर का सान्निध्य लाभ, ये भक्त उसमें नहीं बता रहे हैं। ही इज़ नॉट टेलिंग आई वॉन्ट टू बी विथ यू ऑलवेज, बट ही इज़ ओरिएंटिंग ऑल हिज एक्टिविटीज़ सेंटरिंग लाइट विद गॉड ऑलवेज। इनका मन बुद्धि चित्त अहंकार क्लाय मन सब कुछ, तो ये इसका भी जो दृष्टांत है ये हम वृंदावन में देखते हैं। गोपीगण के भीतर तो है ही है और माँ जशोदा के पास भी है। जो माँ जशोदा बाल कृष्ण को लेकर वो सर्वदा उनका शरण मनन चिंतन मनन करते थे, तो अभी जब कृष्ण मथुरा चले गए तब उनका विरह उनके सहन के बाद पागल जैसे हो गए। तो किसी ने बताया आप जाके श्रीमती राधिका से मिल लीजिए, तो आए श्रीमती राधिका, तो जोग माया है वो ध्यानस्थ थे। तब जब आया तब उनका बड़ा कृपा हुई, तो उन्होंने बताया ठीक है तुम बड़ प्रार्थना करो, जो कृष्ण वो मैं चित शक्ति हूँ और वो चैतन्य मात्र है, तो आप जो बार मांगोगे मैं दे दूँगी। तो क्या बार प्रार्थना, ये नहीं कहा जे तुम कृष्ण को बुला के लो, उन्होंने बताया और क्या बार मांगूंगी, काय मनोवाक्य कृष्ण को सेवा करने के लिए हमें वरदान करो। काय मनोवाक्य अर्थात इस आँखों से कृष्ण का भक्त दर्शन कर सकूं, इस हाथों से कृष्ण भक्त सेवा कर सकूं, इस पैर से कृष्ण जहाँ जहाँ गए थे उस स्थान पर जा सकूं, निरंतर कृष्ण का सेवा कर सकूं, और इस मन से निरंतर उनको चिंतन कर सकूं, और ये वाणी से निरंतर उनका नाम भजन कर सकूं। काय मनोवाक में हम सर्वदा कृष्ण के साथ युक्त रह सकूं, यही मेरा प्रार्थना है। तदर्पित अखिल आचरता एवं तद विस्फोरण प्रारंभ व्याकुलती, यही प्रार्थना किया, ये यशोदा का प्रार्थना है। अर्थात मे माई होल बॉडी माइंड एक्टिविटीज ऑल बी मर्ज्ड इन द थॉट ऑफ माई बिलावेड, तब और कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ जब उसमें परिवेशित हो जाएगा तब वो आदर्श जो भक्त के रूप में परिगणित होंगे। तो ही नारद का जो लिखा हुआ जो भक्ति का आचरण, वही भगवद गीता में भी श्री कृष्ण बताया कि जत करोषि जदश नाशी जज्जु होशि जदाचि तत् जत तपस्य सिकौंत तत् कुरुष्य मदर्पणम, जो कुछ कर रहे हो मुझे समर्पण करके क्या करो, जब कुछ कर रहे हो जो तुम खा रहे हो जो कुछ कर रहे हो सब एवरी मोमेंट एवरी एक्टिविटीज ऑफ योर लाइफ बी कनेक्टेड विद गॉड। इसी करके जब भगवान के साथ युक्त हो जाते हैं सर्व ओर से, तब हम श्रेष्ठ भक्त में परिगणित होते हैं। तो यशोदा का ये भाव देखते हुए वृंदावन का ये भाव है, गोपीगण अपने जीवन में ये भाव लिया था, श्री कृष्ण बिना उनके और चिंतन का कुछ बात नहीं था, इतने उनके जीवन में श्री कृष्ण केंद्रिक। और जब उनकी अवस्था देखकर आज मथुरा से उद्धव को भेजा, उद्धव को श्री कृष्ण ने भेजा वृंदावन में, देखो मैं सुन रहा हूँ मेरे विरह में गोपीगण मूर्छित हो जा रहा है, सह नहीं पा रहा है, तुम जाके जरा खबर लेके आओ। तो गए उद्धव, जाके देखा इनको बड़ा विचित्र अवस्था है, और उद्धव जाने से वो दौड़ दौड़ के आया, अरे हमारे कन्हैया कैसा है, कन्हैया कैसा है, वो कि हम लोग को भूल गए,
हम लोग याद करते हैं कि नहीं, ऐसी नाना प्रकार का प्रश्न करने लगा। तो उन्होंने बताया, देखो तुम लोग जिसके लिए इतना पागल मनी कर रहे हो वो स्वयं ईश्वर है, वो सर्वत्र वर्तमान है, वो क्या मथुरा में है वृंदावन में नहीं है, ऐसे तो नहीं है, सर्वत्र विराजमान है। तुम लोग इतना बेचैन क्यों हो रहा है, वो तो यहाँ पर भी है, सर्वत्र विचारमान है, स्वयं भगवान है। तुमने बताया गोपीगण, देखो उद्धव तुम ज्ञानी हो, तुम भगवान के साथ रहते हो, तुम्हारा तो ये ज्ञान होना स्वाभाविक है, लेकिन हम लोग मूर्ख है, हमारा कुछ ज्ञान बुद्धि नहीं है, और हमारा जो ज्ञान बुद्धि था सब कुछ श्री कृष्ण में समर्पित हो गया, हमारे इंडिविजुअल चिंतन करने का कुछ है नहीं, और इस हाथ से हम लोग उसको सजाया, इस आँखों से उनको देखा, इस शरीर से उनको सेवा किया, अभी उनको जगतपति जगत स्वामी ये सब समझने का हमारा कुछ अवशेष नहीं है, हम लोग ईश्वर में समर्पित हो गए, हमारा अपने बोल के कुछ चिंतन का भी कोई शक्ति नहीं है। जब उनका ऐसी मनोभाव देखा उद्धव, उन्होंने सोचा कि हम तो इनको सिखाने के लिए आए हैं, तत्व कथा सिखाने के लिए आए हैं, लेकिन ये जो तत्व कथा का शेष बिंदु जो प्रेम है, इन लोग प्रेम को आस्वादन कर लिया, इनका जीवन धन्य हो गया। भगवान उद्धव को इसलिए भेजा था, उद्धव ज्ञानी था, उसको थोड़ा अहंकार था, मैं को सब जान लिया, बोले ठीक है जाके देखो। जब गोपीगण के साथ उनका परिचय हुआ तो गोपीगण का प्रणाम करके वो विदा ले लिया, बोले यहाँ पर कुछ बोलने का हमारा सामर्थ्य नहीं है, ये सबसे आगे बढ़ गया, यही ज्ञानी का ही भक्त का जो मिलन है, वो ईश्वर में समर्पित प्राण है। इसीलिए श्री कृष्ण ने बताया, हमारा चिरायु होने पर भी, चिराश्मायन होने पर भी कभी गोपीगण का ऋण हम चुका नहीं सकते हैं, ये अनूठा है। ठाकुर कहा करते थे कि गोपीगण का ये खिंचाव तुम लोग जीवन में अपनाओ, गोपी देरी टान टुकू तो ना नहीं, कि गोपीगण का भगवान के लिए जो ये आकर्षण है, खिंचाव है, व्याकुलता है, वही जीवन में अवलंबनीय है। जब जीवन में वो खिंचाव आ जाता है, वो स्पर्श आ जाता है, तब हमारा जीवन आनंद में भरपूर हो जाता है। देन द लाइफ बिकम्स फुल विदाउट एनी डिपेंडेंस ऑफ द एनवायरनमेंट। अभी हमारा जीवन निर्भरशील है, बाहर से कुछ चाहिए तभी इस पर भरपाई होगा, जब ये प्रेम आके हृदय में अधिकार कर लेता है तब हमें बाहर से कुछ प्राप्ति का रहता नहीं, हम भरा पड़ा हो जाता है, हम तब देने के लिए बराबर तैयार रहते हैं। इस प्रसंग और भी हम अगले दिन बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज अमावस्या का तिथि है, आरती के उपरांत देवी नाम संकीर्तन होगी, और कल से भगवान श्री रामकृष्ण का जन्मतिथि उत्सव लगातार 6 दिन तक चलेगा, रविवार तक लखनऊ आश्रम में, और इनका विस्तृत कार्यक्रम हम लोग आपको सब दे चुके हैं विस्तारित इंटरनेट में, और कल विशेष सत प्रसंग सुबह में वो अवश्य हम लोग मिलेंगे, विषय द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण का जो विशेषता, चारित्रिक
अनूठा विशेषता है उनका, जो कहीं पर नहीं दिखाया। जीवन का जो विशेषता है उसका थोड़ा बहुत चर्चा होगी और दिन भर ठाकुर जी का उत्सव होगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।